Oh, South Character. कलो का अभी स्कूल में आए नहीं, कदम रखे नहीं, बुलाना पहले शुरू कर दिया। अरे यार पूछ रहे थे यार, खुशी नहीं दिख रही है यार। कैसे खुशी देखेगी यार, सुबह सुबह बाथरूम करने गए और जैसे ही आए उसके बाद स्कूल के जैसे ही पैंट पहन रहे थे यार, चैन में सुसु फंस गई यार, कहां से खुशी दिखेगी हमारे चेहरे में। एक घंटा आप जड़ देंगे अभी, तुम्हारी खुशी की बात पहन कर रहे हैं, हमारी आइटम खुशी की बात कर रहे हैं। तुम्हारी बस में आती है ना, कहाँ है? अरे हमें लगा हमारी फिकर है, हमें का पता कहाँ है, हमें तो दिखी नहीं बस में यार। चलो फिर अपना थोबड़ा उठाओ अब बैठो चुपचाप। क्या जमाना आ गया है लड़की के बारे में पूछना। सर मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ, वैसे तुम 15 मिनट लेट हो मगर आ जाओ आ जाओ, लड़कियों के लिए इतनी छूट बनती है। ठीक है सर आती हूँ। आखिरकार हमारी स्वीटी आइटम खुशी आ ही गई, अब कहाँ बैठेगी यार, हमारे बगल में तो बैठ नहीं सकती, ये सुअर पहले आके बैठ गए हैं, का बहाना बनाए कि ये लोग पीछे भाग जाए। अरे खुशी इतनी लेट कैसे हो गई आज? अरे वो हमारी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे आंतड़ों में काहे खलबली मची पड़ी है? बेटा शांति पूर्वक शांत हो जा, वरना जब ये हाथ उठेगा ना तो जितने काले बने हुए हैं ना और भूत बना देंगे। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो, वो थोड़ा सा खांसी हो गई थी हमें, कोई बात नहीं, विक्स ले आएगा, दवाइयां ले आएगा आपके लिए। अरे नहीं नहीं सही हो गए हैं हम। अच्छा आज तो वैसे सीट भी नहीं बची है, सब लोग ने सीट ले ली है, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं ये कलवा भी हटेगा, यहाँ बैठना आराम से हमारे बगल में ही। काहे क्यों हटेगा, तुम का हमारे फूफा हो? अरे फूफा नहीं, तब का हमारे जीजा हो जो हम तुम्हारे बगल में बैठे जा रहे पीछे बैठने, ज्यादा एक्टिंग दिखाओगे ना एक जड़ देंगे कंटा आप। कराली बेइज्जती उलड़ गया अबू, खा लिया गोबर। शांति में बैठ जाओ वरना धड़ेंगे एक कंटा अपना, उलड़ जाओगे सीधे। अरे कहाँ चल रहा है क्लास में, शांति से बैठा नहीं जा रहा है, सब अपनी अपनी सीटों पे बराबर बैठो। बराबर ही बैठेंगे, बराबर नहीं बैठेंगे तो धड़ाम से नीचे नहीं गिर जाएंगे। कैसी बात करते हो यार, ज्यादा मत बोलो पकड़ पकड़ वरना उल्टा मुंह लटका के सूटेंगे। हमने कल कुछ दिया था। अबे सर ने कुछ दिया था और हमें को नहीं मिला,
ने हमें ना बताया यार, अकेले अकेले चाप गए हमारा हिस्सा भी। अरे शांति से बैठो, वो कुछ और बात कर रहे हैं। यार क्या बात कर रहे हैं यार, हमारा हिस्सा तुम ले गए यार। अपने ये गंदे से सुअर जैसे मुंह में खा लिया तुमने हमारा हिस्सा भी। अरे कायदे में चुपचाप रहो ना यार, काहे बीच में पकड़ पकड़ करे पड़े हो यार। सुन लो पहले पूरी बात। हम ना सुनेंगे यार, तूने हमारा हिस्सा खा लिया यार, हम ना बोलेंगे यार। यार ऐसे थोड़ी होता है यार। उम्मीद है सबका काम हो गया होगा। काम? हाँ बेटा चिंटू, काम। हमने कल होमवर्क दिया था, उम्मीद है सबका हो गया होगा। बेटा पता चला होमवर्क दिया है, होमवर्क कुछ हुरने का नहीं दिया है, जो पकड़ पकड़ हमारे मुंडी पे चढ़ के बोले पड़े थे। अरे हमें लगा कुछ दिया होगा खाने के लिए। हाँ भुक्कड़ आदमी, खाली खाने आए हैं, खाते रहेंगे। अरे तुम्हें क्या पता दोस्त यार, ये बहुत खाता है। हमारे पापा के समोसे वाले ठेले में आके रोज दो समोसा उलट जाता है यार, पैसा ना कौड़ी देता है यार। कायदे में बैठ जा वरना तीन समोसा खाएंगे तुम्हारे पापा के ठेले में। खा लियो आज, आज पापा लठी लेके बैठे, समोसे की जगह पूरी लठ देंगे तुम्हारे मुंह में। बेटा समोसा तो हम खिलाएंगे, होमवर्क किस किसने किया है वो कायदे में बैठे रहे, जिसने नहीं किया है वो खड़े रहे। पहले खुद तो बैठ जाए, हमसे का कह रहे बैठने को। बेटा चिंटू कान है हमारे, पता है हमें हाथी के कान तो लगा के बैठे हो। खुसर पुसर सुनने में तो सबसे माहिर हो आप। दाऊ कायदे में बैठ जाओ, एक कंटाप में पलट देंगे तुम्हें। सारी तुम्हारी होशियारी कहाँ कहाँ डालेंगे अब का बताएं यहाँ पे। होमवर्क कायदे से किया होगा, पहले चिंटू बेटा आओ सामने, दिखाओ अपना होमवर्क। दिखाओ। सर हमें टॉयलेट आ रही है, होमवर्क दिखाने के बाद जाना। सर हमें तेज आ रही है, होमवर्क दिखाने के बाद जाना कह दिए हैं। सब चीज का बहाना बना रखा है इन लोगों ने। सर हमें जोरों से आ रही है, अभी समोसे खाने के टाइम पे तो तुम्हें नहीं आ रही थी। सर अब ज्यादा तेज हो गई है, नहीं गए तो यही छूट जाएगी। देखो हम आते हैं तुम्हारे पास, दिखाओ अपना होमवर्क। सर यार बड़ी तेज आ रही है यार, सर करके आते हैं फिर दिखाते हैं। बेटा तुम्हें हम दिखाते हैं, होमवर्क होमवर्क करना है नहीं, सिर्फ समोसा खिलवा लो इनसे, बातें पिलवा लो इनसे, और लौंडिया दिखवा लो इनसे। इन सब में इनने पीएचडी कर रखी है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, हर क्लास की लौंडियों को सर छेड़ता है यार, वहां जाके लंच खा लेता है, और बेचारे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं यार। सर हमें आंसू आ जाते हैं, हमें तो कहीं देता ही नहीं है खाना यार। सर काला खाने वाला मुंह भी तो होना चाहिए, सुअरों को थोड़ी दिया जाता है खाना। बेटा अभी तो तुम्हें हम देंगे, और जो चीज देंगे ना वो अगले 7 जन्म तक तुम्हें याद रहेगा। सर टॉयलेट आ रही है, करके आते हैं तब दिखाते हैं हर चीज।
ना बेटा, आज तुम टॉयलेट यहीं करो। अरे सर काहे ऐसा कह रहे हो यार, सर हम ना बैठेंगे यहाँ पे यार, बस आ जाएगा पूरी क्लास यार। सर बेचारे खुशी के बारे में तो सोचो। बेटा भाभी कौन बोलेगा? बेटा तुम्हें भाभी तो हम मनाते हैं, और चीजों के लिए तुम्हें टॉयलेट नहीं आ रहा है, सिर्फ होमवर्क दिखाने में टॉयलेट आ रहा है। दिखाओ होमवर्क, कहाँ है होमवर्क? सर हम लाए नहीं, तो लेके आओ। सर टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट में रख के आए होमवर्क? सर नहीं, हमें टॉयलेट आ रही है सर, हम करके आते हैं फिर दिखाते हैं। अबे लाए नहीं हो तो क्या दिखाओगे अपना मुंह? लगता है टॉयलेट में दिखाएंगे। बेटा कर लो, मुंह बंद कर लो, वरना ऐसा मारेंगे ना कि तुम्हारा थोबड़ा इससे भी बेकार कर देंगे। हाँ बेटा होमवर्क, होमवर्क दो आज, आज होमवर्क दिखाओ तुम। सर नहीं लाए, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हर बार तुम्हारा यही ड्रामा है। देखो तुम्हारी ऐसी की तैसी।